न्यूयॉर्क, भरपूर संस्कृति, ऊर्जा, जीवन और कहने की जरूरत नहीं कि बेहद धनी एक वैश्विक महानगर, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अलग कहानी है। महामारी के दिनों में हर 5 में से एक न्यूयॉर्क वासी गरीबी से जूझ रहा है। पिछले साल सिक्स्ता लियोन बारियो ने अपनी नौकरी और एक बेटा खो दिया। अब वो रोजी रोटी के लिए बोतलें इकट्ठा करती हैं। ब्रिजिट हैरिस उनकी मदद करना चाहती है। वो जरूरतमंद लोगों के लिए दान में दिया गया खाना इकट्ठा करती हैं, क्योंकि जो चीजें न्यूयॉर्क के धनी लोग फेंक देते हैं, शहर के गरीबों को उन्हीं की सख्त जरूरत होती है। आज सिक्स्ता लियोन बारियो को सैलरी मिलनी है। इन बैगों में उनकी हफ्ते भर में जुटाई गई बोतलें हैं और उनके लिए एक एक सेंट मायने रखता है। ये 144 डिब्बे हैं, प्रत्येक का मूल्य 6 सेंट है। इस हिसाब से हर बैग का 864 सेंट हुआ और उसके मुझे 1,440 सेंट मिलते हैं और मेरे पास उस तरह के 5 हैं, तो ये कुल $230 होना चाहिए। सिक्स्ता न्यूयॉर्क में 34 सालों से रह रही हैं। वो अवैध रूप से मैक्सिको से आई थीं। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और सिक्स्ता ने अकेले ही 5 बच्चों की परवरिश की। महामारी से पहले सिक्स्ता 4 जगह सफाई करती थी, अब सिर्फ 1 जगह करती हैं। अपने कमरे का $600 का किराया देने के लिए वो हर दिन बोतलें इकट्ठा करती हैं। मैं देर रात या एकदम सवेरे जाती हूँ। महामारी के बाद से बहुत से लोग बोतलें इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी सुपरमार्केट कार्ट्स को बोतलों से भरकर लाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब महामारी के बाद रोजी रोटी का यही एकमात्र तरीका है। हमें और कोई सहायता नहीं मिलती। यहाँ एक ऊपर रख दो। सिक्स्ता की बोतलें खरीदने वाला रिसाइकलिंग ठेकेदार कुछ ब्लॉक की दूरी पर इंतजार कर रहा है। उसे ये सब ले जाना है। वहाँ से कुछ ब्लॉक की दूरी पर रिसाइकलिंग कंपनी है जो सिक्स्ता की बोतलें खरीदती है। पूर्वी नदी के उस पार मैनहट्टन में ब्रिजिट हैरिस और उनके स्वयं सेवकों की टीम भी कुछ जुटा रही है, लेकिन ये बोतलें नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के जरूरतमंदों को देने के लिए कुकीज हैं। ये कुकीज शहर में सबसे लोकप्रिय हैं, चॉकलेट और पीनट बटर, चॉकलेट चिप और अखरोट वाली। $7 की एक है और ये बॉक्स भरे हुए हैं। आज कुकीज, ये पाव रोटी है, ये नींबू वाली रोटी जैसा लग रहा है। यहाँ लगभग हमेशा कुकीज मफिन होते हैं। जो कुछ भी वे पिछली रात नहीं बेच पाते हम उसे ले लेते हैं। ये अभी भी अच्छे हैं, बासी या खराब नहीं हुए हैं। अगर टीम ये खाना नहीं लेती तो उसे फेंक दिया जाता, जैसे शहर में बहुत सारा खाना फेंका जाता है। ओह, ये बहुत भारी है। चलो चलते हैं। तुम उसे ले जा पाओगे? हाँ, शायद। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम रुक सकते हैं। ब्रिजिट का मुख्य काम डिलीवरी ऐप के लिए साइकिल से खाना पहुँचाना है, लेकिन साथ ही वो रेस्क्यूइंग लेफ्टओवर क्यूजिन नाम के एनजीओ के लिए बचे हुए खाने को पूरे न्यूयॉर्क शहर से इकट्ठा करती हैं। उनका परिवार मूल रूप से लाइबेरिया से है। भूख से लड़ाई उनके लिए बहुत व्यक्तिगत बात है। जब मैं वहाँ थी तो गृह युद्ध चल रहा था। मेरा एक भाई भूख से मर गया और तब से मुझे खाने की बर्बादी से नफरत हो गई। जितना खाना अमेरिका में बर्बाद होता है उसे देखकर और सड़कों पर लोगों को भूखा देखकर सच में दुख होता है कि एक तरफ लोग भूखे हैं तो दूसरी तरफ लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। आज वे दान में मिले खाने को दक्षिणी मैनहट्टन के बावरी मिशन में रखने वाले हैं। ये शहर का सबसे पुराना ईसाई राहत मिशन है। इसे बहुत सावधानी से तौला जाता है। हमारा आज का सामान कुल 182.5 पाउंड था। बहुत अच्छे। क्या आप संतुष्ट हैं? ओ हाँ, मुझे पता था कि ये 150 से अधिक होने वाला है। मुझे नहीं लगा था कि ये 200 तक पहुँचेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है।
बावरी मिशन 140 सालों से शहर के गरीबों की मदद कर रहा है। स्पैनिश फ्लू के दिनों में भी इसने भोजन और सोने के लिए जगह उपलब्ध कराई, और आज ब्रिजिट और उनकी टीम की मेहरबानी से मीठे में स्वादिष्ट कुकी मिल रही है। उधर ब्रुकलिन में सिक्स्ता कलेक्शन पॉइंट पहुंच गई हैं। उनके पास आम दिनों से कम खाली बोतलें हैं, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर थीं। 14 अन्य लोगों के साथ वो सरकार से अपने जैसे अप्रवासियों के लिए मदद की गुहार कर रही थीं, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं हैं। वे ज्यादातर सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं ले पाती हैं। मैंने इसमें हिस्सा लिया क्योंकि अब न्याय होना ही चाहिए। यहाँ बहुत सारे अप्रवासी हैं और हम में से ज्यादातर लोग टैक्स देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि टैक्स देना ही रेसिडेंसी परमिट पाने का एकमात्र तरीका है। विरोध प्रदर्शन साहसिक काम था। वो कहती हैं कि उन्हें भूख नहीं लगी। हमें पीने के लिए नारियल पानी और शरीर स्वस्थ रखने के लिए विटामिन पाउडर दिया जाता था। मैं 16 दिनों तक डटी रही। ये एक सफलता थी। न्यूयॉर्क सरकार ने अब सिक्स्ता जैसे लोगों की मदद के लिए $2.1 बिलियन की सहायता का वादा किया है। वो न्यूयॉर्क शहर में बिना दस्तावेज के रहने वाले 5 लाख से अधिक ऐसे अप्रवासियों में से एक हैं। भूख हड़ताल की सफलता ने उन्हें हिम्मत दी है। ये एक बड़ी जीत थी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये किया, हम जीते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस देश में सब कुछ बेहतर होने वाला है। पैसा आएगा, वे हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों को घरों के कागज भी मिल जाएंगे। सरकारी पैसा अभी नहीं आया है और न ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं। बहरहाल रिसाइकलिंग ठेकेदार आ गया है। सिक्स्ता को उसकी उम्मीद से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो अब भी खुश हैं। उसने मुझे $193 दिए। उधर बावरी मिशन में शेफ आयशा प्रोडानी दोपहर के भोजन की सब तैयारियां सुनिश्चित कर रही हैं। जल्द ही इसे लेने वाले आ जाएंगे। हम लगभग 11 बजे पैकिंग शुरू करेंगे, लगभग 5 मिनट में। वे प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को खाना बांटते हैं। ये स्वयं सेवकों की मदद के बिना असंभव है। तो अब हमारे पास जो कुछ भी है उसे बांध कर सैनिटाइज करना शुरू करते हैं और सब पैक करते हैं, ठीक है? शुक्रिया दोस्तों। तुम लोगों का काम खत्म हुआ? तो ऐसा करते हैं, लुआ कुकीज वाले बॉक्स इधर लाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उन्हें कहाँ रखना है। कोविड से पहले लोग डाइनिंग हॉल में खाते थे, लेकिन अब अपने साथ ले जाते हैं। कैसे हो हेनरी? किधर थे इतने दिन? इनमें से ज्यादातर यहाँ रोज आते हैं। खत्म होने से पहले खाना ले लो। माइक कीनी भी यहाँ नियमित रूप से आते हैं। चलो देखा जाए, तरबूज है, कुछ गोभी और चावल, और शायद थोड़ी ब्रेड के साथ मीट स्टू भी। माइक एक प्रशिक्षित एक्सरे तकनीशियन है। महामारी से पहले उनकी नौकरी चली गई और घर खो दिया। नया काम खोजना और आत्मनिर्भर बनना अभी मुश्किल है। उन्हें जो भी मदद मिल जाती है उसके लिए वो आभारी रहते हैं। ये अच्छा था, मुझे तरबूज पसंद है। बाकी मैं बाद के लिए रख लेता हूँ। क्योंकि महामारी के दौरान बहुत से लोग बेघर हुए हैं, इसलिए शहर ने उन्हें अस्थायी रूप से होटलों में रख दिया है। मेरे दोस्तों में से कुछ होमलेस शेल्टर्स में हैं, जो होटल वगैरह में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उनका सब खत्म हो गया है, वे अपने फोन बिल भी नहीं भर सकते। उनकी नौकरियां छूट गईं, बेरोजगारी लंबे समय तक चली, इसलिए मेरा बहुत से दोस्तों से संपर्क कट गया। बावरी मिशन ने मेरी बहुत मदद की। वहां काम करने वाले बहुत से लोगों से बस बैठ कर करीब 45 मिनट बात करने से मैं गहरे अवसाद से बच गया। निराशावादी से आशावादी बन गया। उन्होंने कभी
ऐसी स्थिति का नहीं सोचा था जहां उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़े। ये मेरे लिए अपमानजनक है, लेकिन इसने मुझे विनम्र बनाया, क्योंकि मेरे पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी। मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे लोगों पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। लेकिन जब तक उन्हें काम नहीं मिलता, उनके पास कोई चारा नहीं है। पिछले साल का असर अब भी है। कुछ वक्त तक मैं वास्तव में कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस उदास रहता था। ये शहर मेरे लिए मरा हुआ सा था, मतलब मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहता था, कुछ नहीं करता, बस निराश रहता था। माइक जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं आसान और सस्ते जीवन की तलाश में जाना चाहते हैं। सिक्स्ता को भी नाश्ता मिल रहा है। महामारी ने न केवल उसके जीवन को और कठिन बना दिया, बल्कि उसके सबसे छोटे बेटे को भी छीन लिया। बेरोजगारी, शराब, डिप्रेशन, उसकी उम्र महज 30 साल थी। वो बाथरूम गया और 5 मिनट के अंदर मर गया। मैं नीचे थी, उसे कोनी आइलैंड ले जाने के लिए कार करने जा रही थी। तभी मेरे दूसरे बेटे ने कहा, माँ जल्दी आओ। भाई जवाब नहीं दे रहा, वो आंख नहीं खोल रहा। मैं पागलों की तरह सीढ़ियों से भागी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरा बेटा मर गया था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ 34 साल से हूँ और बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने भाइयों के पास वापस जाना चाहती हूँ। मैं ये साल गुजार कर फिर मेक्सिको वापस चली जाऊंगी। बाकी ईश्वर की इच्छा। कई लोगों के लिए न्यूयॉर्क सपनों का शहर है, लेकिन सिक्स्ता जैसे लोगों के लिए महामारी ने इसे एक बुरे सपने में बदल दिया है, और वो उस दुस्वप्न से जल्द छुटकारा चाहती है।